नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेडी साहब पकड़ा में। आज हम आपको बताएंगे कि स्पेयर पंप में वायरिंग कैसे किया जा सकता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्पेयर पंप में जो अलग अलग वायरिंग आती है सॉकेट की, स्विच की और रेगुलेटर की, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्विच को और रेगुलेटर और सॉकेट को फिट कर देते हैं, उसके बाद हम उसकी कनेक्शन कैसे होता है वो दिखाएंगे। हम सब पहले फिट कर लेते हैं। ये हमारे जो वोल्ट बताते हैं वो मोटर का प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उतनी ही लाइट उसमें दिखाते हैं, जो चार्जिंग नहीं बताता है वो लाइट है वो चार्जिंग नहीं दिखाएगा आपको, वो सिर्फ पावर आता है मोटर में वही दिखाता है। बैटरी का ब्लैक कनेक्शन है वो जो नेगेटिव हम बोलते हैं, उसका कनेक्शन हम एक तो स्विच है स्विच के साथ करेंगे, स्विच का में बीच वाला हिस्सा होता है वो उसके साथ कनेक्शन करेंगे, और एक जो सॉकेट होता है चार्जिंग का ये वाला, उसमें हम जो ये ब्लैक वायर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव कनेक्शन से जोड़ देंगे। उसका तीनों का हमें आपस में कनेक्शन कर लेंगे। ये चार्जिंग सॉकेट है उसमें से हम चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। ये सिंपल सी वायरिंग है, आपको एक बार देखोगे तो सब पता चल जाएगा कि कैसे वायरिंग होता है स्प्रे पंप के अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं आता है। उसके ऊपर हम कैप लगा देंगे। ये तीनों वायर आपस में हमने जो लगा दिए हैं। अब हम आपको ये रेगुलेटर का जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो स्विच का जो तीन वायर है उसमें से एक वायर ले लेंगे, वो रेगुलेटर के ब्लैक वायर में लगा देंगे, क्योंकि ये पावर आती है जो बैटरी में नेगेटिव में से ब्लैक वायर में से वो स्विच में होकर इस रेगुलेटर में चली जाएगी, क्योंकि एक साइड से हम रेगुलेटर चालू करेंगे और एक साइड से हम डायरेक्ट मोटर में पावर लगाएंगे। ये जो ये है वो हम डायरेक्ट मोटर में लगाएंगे जो कि डायरेक्ट पावर में होता है, और रेगुलेटर से हम मोटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मोटर का ब्लैक वाला हिस्सा है जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, उसको हम ये तीसरा वाला बचा है उसमें लगा देंगे। यहाँ से डायरेक्ट पावर स्विच में से होकर मोटर में चला जाएगा, ये बैटरी का ब्लैक कनेक्शन उसमें से स्विच में जाएगा, स्विच में से ये मोटर में डायरेक्ट पावर जाएगा। ये वाला हिस्सा ये ग्रीन, ये रेगुलेटर में से पावर निकलता है, रेगुलेटर में होकर ये लगा है वो हमने वायरिंग जो रेगुलेटर में दिया ब्लैक वाला, वो ब्लैक वाला यहाँ से पावर रेगुलेटर में होकर ये ग्रीन वाले में से मोटर में चला जाएगा, क्योंकि हम स्पीड कम या ज़्यादा है उसमें से कर सकते हैं। पिन इसका आपस में हमने कनेक्शन लगा दिया है, ये जो हमने बताया था कि लाइट दिखाता है वो पावर, जब मोटर को पावर मिलेगी तब ये लाइट चलेगी। अब बारी आती है वो रेड कलर वाले, क्योंकि पॉजिटिव की, पॉजिटिव वाले जो सब कनेक्शन है वो आपस में एक साथ ही लगाएंगे, क्योंकि उसमें से कोई पावर कट ऑफ या उसमें कोई स्विच नहीं लगाई जाती है, ब्लैक वाले में ही हम स्विच लगाते हैं। जो रेगुलेटर का पार्ट है वो भी हम ब्लैक वाला ही स्विच में लगाकर पावर देते हैं। तो सब पावर रेगुलेटर में होकर मोटर में या डायरेक्ट भी पावर चला जाता है।
ये चारे कनेक्शन हम आपस में कर लेंगे, एक मोटर का है और एक मीटर का है और एक हमारे सॉकेट और रेगुलेटर का है, ये चार कनेक्शन, और एक पांचवा हमारे जो बैटरी में से पावर लेंगे उसका एक वायर है, इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं। अगर आपके पास ऐसी जो ब्लू वाली कैप है वो नहीं है तो आप टेप पर भी टेप भी लगा सकते हैं, यहाँ पर टेप। गाने से भी अच्छा कनेक्शन होता है। ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है तो हम उसका जो रेड वाले पॉजिटिव कनेक्शन है उसको हम बैटरी में लगाएंगे। रेड वाला पावर है वो सब जगह डायरेक्ट ही जाता है, लेकिन जो ब्लैक वाला है वो स्विच में से होकर रेगुलेटर में जाता है, रेगुलेटर के बाद मोटर में जाता है, और एक पावर स्विच में से होकर डायरेक्ट मोटर में चला जाता है। ये हम तो दिख रहे जो ये सब वायर अलग अलग है रेड वाले। ये कनेक्शन बहुत ही सरल है दोस्त, एक बार आपको देखोगे तो मालूम चल जाएगा कि किस तरह कनेक्शन आता है। अगर आप स्पेयर पंप घर पर भी खराब हो, वायरिंग में कुछ खराबी है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे रिपेयर। ये जो पावर हमने स्विच ऑन की है तो आपको दिखाई देगा कि ये चलेगा। अब ये रेगुलेटर से हम चालू करेंगे तो लाइट धीरे धीरे ज़्यादा ग्लो होगी कम होगी, उसकी स्पीड भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होती है। दोस्तों आज जो हमने ये वायरिंग दिखाई है इस आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको अगर भी ऐसे ही वीडियो स्पेयर पंप के बारे में और अन्य खेती लायक जो हम उपयोग में लेते हैं उसका वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, तो आपने जो चैनल अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो अब हमको बैटरी को फिट कर लेते हैं, स्क्रू लगा कर उसको टाइट कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, आपको एक 4 पट का डिसमिटी चाहिए, बाकी सब कनेक्शन हो जाता है आपस में, उसको हम साइड में फिट कर लेंगे। फिट करना भी बहुत आसान है। अगर आपको मोटर और बैटरी वो लेना हो तो वो ऑफलाइन ही आपको बेहतर मिलेगा, ऑनलाइन में आपको कभी कभी प्रॉब्लम रहती है, आपको रिटर्न करना पड़ता है, ऐसा होता है। वायरिंग दोस्तों बहुत आसान है इस स्प्रे पंप की, तो बस आज के लिए इतना ही। हमने अब इसके नीचे वाला ढक्कन लगाएंगे और उसको लगा देंगे।
दूसरे पंप कंप्लीट हो गए, हमने वायरिंग पूरी करके दिखाई है। अगर अभी तक आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको कहां पर समझ नहीं आया है। स्विच में जो लाल वाला हिस्सा है तीनों तीन, वो सॉरी लाल वाला रह गया, लेकिन वो ब्लैक वाला होता तो आपको बेहतर समझ में आ जाता कि किस तरह कनेक्शन होता है। फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे हमको, हम आपके जो प्रश्न होंगे उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।